कुछ दिनों से लोहे में गिरावट देखने के बाद अब अचानक से लोहे में उछाल देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार कितना उछाल आया है लोहे में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा फैब्रिकेटर्स में। और शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति इंगोट से। आज हो चुका है 21 नवंबर, लेकिन बात करेंगे कि 20 नवंबर शाम के अपडेट में क्या कुछ बंद हुआ लोहा मार्केट। तो बात कर लेते हैं इंगोट से। तो लुधियाना देख सकते हैं रहा 44,100 पे, हैदराबाद 42,600 पे, वहीं भिवाड़ी जो रहा 43,500 देखने को मिला कीमत, कानपुर 42,500 पे बना हुआ, इंदौर 44,800 पे, जम्मू इंगोट भाव रहा 44,800 पे। कल शाम के अपडेट में जम्मू के बाद बात कर लेते हैं हिमाचल, तो हिमाचल देखने को मिला 43,500 पे। वहीं बात कर लेते हैं अहमदाबाद, तो 44,700 पे रहा, गोवा जो रहा 42,900 पे, भावनगर 44,600 देखने को मिला इंगोट भाव, अलंग जो रहा 44,000 रुपये पे। वहीं आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मंडी गोविंदगढ़ का इंगोट भाव, यहाँ पर 100 रुपये तेजी है कल शाम के अपडेट में, और 44,500 भाव देखने को मिल रहा है। दुर्गापुर 42,200 पे रहा, राहुल किला 41,000 रुपये पे बना हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं रायगढ़, तो 41,000 रुपये पे है, रायपुर इंगोट भाव 41,500 पे बना हुआ है, कोलकाता इंगोट भाव रहा 42,900 पे, जयपुर 43,600 पे रहा, मुजफ्फरपुर नगर इंगोट भाव 43,500 पे बना हुआ है, मुंबई जो रहा 44,800 पे, गाजियाबाद 44,000 देखने को मिल रहा है, लुधियाना 44,100 पे। दोस्तों कल शाम के अपडेट में इंगोट और बिलेट दोनों में तेजी लगभग 400 से लेकर 500 तक देखने को मिल रहा है। जी हाँ, और वहीं TMT बार्स में भी 500 रुपये तक तेजी आया हुआ है। जैसा कि TMT बार्स में इंगोट में एक दिन पहले से तेजी है, वहीं पर TMT बार्स में कल के अपडेट में तेजी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, तो देख सकते हैं जो इंगोट के बाद बिलेट का भाव रहा उसमें भी तेजी देखने को मिल रहा है। लुधियाना रहा 44,500 पे, हैदराबाद 43,000 रुपये पे रहा, वहीं भिवाड़ी जो रहा 43,800 पे, कानपुर बिलेट भाव रहा 43,500 पे, इंदौर 45,200 पे, अहमदाबाद 45,700 पे बना हुआ है, चेन्नई 43,500 पे बना हुआ है, जलना 44,200 पे, भावनगर 44,300 पे बना हुआ है, गोवा जो बिलेट भाव रहा 43,200 पे, अलंग 45,000 रुपये पे रहा। वहीं आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मंडी गोविंदगढ़ जो रहा बिलेट भाव 47,700 पे, 44,700 पे रहा, दुर्गापुर 42,600 पे रहा, राहुल किला 41,500 पे रहा, रायगढ़ 41,500 में ये भी बना हुआ है, रायपुर बिलेट भाव रहा 42,000 रुपये पे, कोलकाता 43,500 पे रहा, और 300 से भी अपडेट देखने को मिल रहा है, जयपुर रहा 44,100 पे, मुजफ्फरपुर नगर 43,900 पे रहा, मुंबई 45,300 पे, गाजियाबाद 44,400 बिलेट भाव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आप खरीदारी करें या फिर अभी रुक जाएं, तो ऐसी स्थिति में अभी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ सप्ताह तक देखा जा सकता है कि जो बाजार है उसमें तेजी देखने की संभावना मिल रही है। ऐसे में आप अभी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बिलेट के बाद ओल्ड स्क्रैप का क्या कुछ अपडेट है। तो जैसा कि देख सकते हैं ओल्ड स्क्रैप का क्या अपडेट है, इसमें भी तेजी देखने को मिल रहा था। तो गाजियाबाद 36,300 पे रहा, लुधियाना 38,100 पे, हैदराबाद ओल्ड स्क्रैप 32,300 पे रहा, वहीं भिवाड़ी रहा ओल्ड स्क्रैप भाव 29,900 पे, कानपुर 31,000 रुपये पे रहा, इंदौर 33,300 पे, जम्मू 35,500 पे रहा, अहमदाबाद 37,800 पे, दिल्ली 35,100 पे, भावनगर 37,200 पे, जलना 35,200 पे रहा, मेल्टिंग स्क्रैप जो है यहाँ पे 35,100 पे बना हुआ, अलंग स्क्रैप जो है 38,300 पे रहा। वहीं आगे बढ़ते हुए मंडी गोविंदगढ़ 32,100 पे बना हुआ है, दुर्गापुर 37,000 रुपये पे रहा, रायपुर 37,000 रुपये पे है, कोलकाता का बात कर लेते हैं तो 37,500 पे है, जयपुर ओल्ड स्क्रैप 34,800 पे, मुजफ्फरपुर नगर जो रहा 37,300 पे, और मुंबई ओल्ड स्क्रैप 37,000 रुपये पे बना हुआ है। और इसके साथ 18% GST चार्ज जो है एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, और इसके बाद जो है आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। इस तरह से आपका पूर्ण जो कीमत निकल जाता है, आपका भाव क्या कुछ लगने वाला है ओल्ड स्क्रैप या फिर सभी जो मेटल है इसमें यही चार्ज जुड़ता है 18% GST। जी हाँ दोस्तों, तब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं TMT बार्स 12 mm का। जी हाँ, तो मुंबई देख सकते हैं 49,900 पे रहा TMT बार्स, वहीं पर रायगढ़ 45,400 पे है, गोवा 49,800 पे, जलना 49,800 में ये भी बना हुआ है, हैदराबाद TMT सरिया रहा 48,000 रुपये पे, भावनगर 50,000 रुपये पे रहा, कोलकाता 43,200 पे, वहीं पे दिल्ली TMT सरिया भाव 48,700 पे, मंडी गोविंदगढ़ देख सकते हैं 49,800 में रहा 12 mm सरिया भाव, दुर्गापुर 42,700 पे, इंदौर 50,200 पे, रायपुर 46,500 पे, जयपुर 48,500 पे, मुजफ्फरपुर नगर TMT सरिया 12 mm 47,100 पे बना हुआ है। और यह TMT सरिया 12 mm का अपडेट है। अब आगे बढ़ते हुए TMT सरिया के बाद बात कर लेते हैं वायर का क्या कुछ अपडेट है। तो लोहा तार रहा रायपुर 5.5 mm जो है 47,700 पे, वहीं पे 12G SB जो रहा 49,800 पे, 18G बीन जो रहा रायपुर का 53,500 पे,
वहीं पे दुर्गापुर जो रहा 5.5 mm 46,000 रुपये पे, दुर्गापुर बालाजी HB 48,000 रुपये पे, वहीं पे 20G बीन जो रहा 54,700 पे। ये तार का अपडेट है। अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम में पीक आयरन स्टील ग्रेड का क्या कुछ अपडेट है। तो राउरकेला 40,850 पे बना हुआ है। यहाँ पे रायगढ़ का बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 40,200 पे है। लुधियाना 42,800 पे है। वहीं पे बात कर लेते हैं मंडी गोविंदगढ़ 42,600 पे। दुर्गापुर पिग आयरन रहा स्टील ग्रेड वह 41,000 रुपये पे। रायपुर जो पिग आयरन रहा 40,700 पे। और बोकारो का जो है 38,500 पे देखने को मिल रहा है पिग आयरन स्टील ग्रेड का अपडेट। तो दोस्तों यह रह गई जो है कल शाम मतलब 20 नवंबर का बाज़ार बंद के समय का अपडेट। और ऐसे में आप चाहे तो अभी ख़रीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में और हल्का सा बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।